दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। आज मैं आप लोगों को एशिया का सबसे पहला पेवेलियन शिवसागर का रंगघर का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। रंगघर नगर पहुंचने पर सर्वप्रथम दिखाई देता है ट्रंक रोड के किनारे मैदान में अवस्थित लाल ईंटों का एक सुंदर भवन। इस स्तूप के पास ही रुपही मैदान पठार है। इसी रुपही मैदान में सैन पक्षियों का खेल, बाघ बोंगा का खेल, भैंसों का युद्ध आदि खेलों का उपयोग करने के हेतु स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने एक साल काट का मचान चांगघर का निर्माण करवाया। यही था प्रथम रंगघर। इसके पश्चात 1744 में स्वर्गदेव प्रमत्ता सिंह जी ने वर्तमान अक्षात अवस्था में खड़ा पक्की रंगघर का निर्माण करवाया। इस रंगघर को आज एशिया महादेश का पहला पेविलियन कहा जा सकता है। इस दो तले शाही झरोके का निर्माण आहुम वंशीय राजा प्रमत्ता सिंघा ने 1744 से 1751 में शाही परिवार हेतु यहां आयोजित होने वाले रंगारंग कार्यक्रमों व भिन्न प्रकार के पक्षियों पशुओं के युद्ध को देखने के लिए किया गया था। दोस्तों, एशिया के सबसे पहला एमपी थिएटर यानी अखाड़ा का मजा लेने असम आइए, देखेंगे खूबसूरत नजारे यहां पर। दोस्तों, ये है रंगघर, जिसका अर्थ है मनोरंजन का घर। अपने ऐतिहासिक महत्व के बावजूद रंगघर में इसके मूल आकर्षण और जीर्णोद्वार और संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, आज ये असम के गौरवशाली अतीत और आहुम राजवंश की भव्यता की याद दिलाता है। रंगघर में आने वाले पर्यटक इसकी जटिल डिजाइन का आनंद ले सकते हैं। रुपही पठार के रूप में जाने जाने वाला चौड़ा मैदान रंगघर से घिरा है। दोस्तों, रंगघर की पूरी संरचना विशेष रूप से लाल पकी हुई ईंटों, एक विशेष किस्म के चावल और अंडे से बनी है। दोस्तों, ये इमारत आहुम वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। आसपास के क्षेत्र के मनोरम दृश्य को देखने के लिए
ये सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं और इसकी दीवारों के भीतर होने वाले जीवंत आयोजनों की कल्पना कर सकते हैं। असम के जीवंत सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में रंगघर आने वाले सभी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। आप जैसे ही रंगघर के भीतर प्रवेश करेंगे, आपको यहाँ अनूठी मूर्तियों के साथ सजाए गए मेहराब की श्रृंखला देखने को मिलेगी। रंगघर के भीतर से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जाती है, जहां से राजश्री और गणमान्य व्यक्ति विशेष कार्यक्रमों और घटनाओं का आनंद लेते थे। दोस्तों, रंगघर एक ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ शिवसागर में घूमने के लिए भी एक शानदार जगह है। सुंदर संरचना और यहाँ का ये शांत वातावरण इसे देखने लायक जगह बनाता है। अब ये क्षेत्र सजे हुए मैदानों के रूप में बना हुआ है, जो रंगघर के मुख्य भाग से सुंदर दिखाई देता है। रंगघर के बाहरी हिस्सों को फूलों और ज्योमेट्रिकल डिजाइनों से सजाया गया है, जो रंगघर को देखने लायक बनाता है। 10 मीटर ऊंचा शाही मंडप रंगघर शिवसागर में असम की एक ऐतिहासिक संरचना है। यहाँ पहले भैंसों का युद्ध, बैलों का युद्ध, मुर्गे का युद्ध, पक्षियों का युद्ध, हाथियों का, कुश्ती आदि का आयोजन किया जाता था। रंगघर खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का है और इसमें टिकट का एंट्री फीस लगता है 20 रुपया प्रति व्यक्ति। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।